आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एडीजी जोन अखिल कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने कार्यालय पर किया झंडारोहण, पुलिस कर्मियों को दिलाई शपथ। देश की 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त कार्यालय पर फहराया तिरंगा, लोगों को दिलाई एकता और अखंडता की शपथ। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी कार्यालय पर फहराया तिरंगा, देश की एकता और अखंडता की दिलाई शपथ, कहा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए शासन की योजनाओं को करे क्रियान्वित। पूर्वोत्तर रेलवे के सैयद मोदी स्टेडियम में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने किया झंडारोहण, परेड का किया निरीक्षण, उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों को किया सम्मानित, कहा यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है रेलवे प्रशासन। गोरखपुर न्यूज के सभी दर्शकों को सदर सांसद रवि किशन ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई, लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने पुलिस लाइन में किया ध्वजारोहण, अधिकारियों को दिलाया देश की एकता व अखंडता की शपथ, उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल ने नगर निगम परिसर में किया ध्वजारोहण, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर किया माल्यार्पण, देश की एकता और अखंडता की दिलाई शपथ, किया गया पौधरोपण। ललित नारायण मिश्र रेलवे अस्पताल में नव स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का सदर सांसद रवि किशन ने किया उद्घाटन, कहा कोरोना की संभावित तीसरी लहर में कारगर साबित होगा ऑक्सीजन प्लांट। देश की आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीडीओ ने किया विकास भवन परिसर में झंडारोहण, कहा अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विकास कार्यों को करें पूरा, अवश्य करवाएं कोविड का वैक्सीनेशन। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों को नगर आयुक्त ने किया सम्मानित, कहा स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए नगर निगम परिवार है समर्पित। छेड़खाने के आरोप में वांछित अभियुक्त आरोही हॉस्पिटल के चर्चित संचालक विकास सिन्हा को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर, करीब 75 लोगों ने किया रक्तदान, एसएसपी ने कहा रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। गोरखपुर में रविवार को मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,382, अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 6 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नौका विहार पर किया गया सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन, देश की आजादी के लिए प्राणों की कुर्बानी देने वालों को किया गया नमन। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चलाया गया हस्ताक्षर अभियान, डीएम एडीएम सहित गणमान्य लोगों के हस्ताक्षर कर लिया नशा मुक्ति का संकल्प। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर आयुक्त ने मलिन बस्ती का किया निरीक्षण, लोगों में बांटे लड्डू, स्वच्छता का दिया संदेश। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने जनपद वासियों को दी 75वें स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं, नागरिकों के उज्जवल भविष्य की कामना। आयुष्मान भारत के तहत बेहतर कार्य करने वाले 2 चिकित्सकों को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित, चिकित्सकों के कार्यों की सराहना। विश्व हिंदू महासंघ की जनपद इकाई द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर विश्मिल पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण, उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया गया संकल्प। देश की आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर वरिष्ठ पत्रकार सुजीत पांडे ने किया झंडारोहण, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की अपील, कहा लाखों कुर्बानियां देकर मिली है आजादी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासन की योजनाओं पर आधारित विभिन्न विभागों की निकाली गई झांकी, लोगों को शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। वामा सारथी और सेंट पॉल स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ अरमान तिरंगा है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों ने बिखेरी मनमोहक प्रस्तुति, मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। और स्वतंत्रता दिवस को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों पर कर रही है निगरानी, एसएसपी ने कहा जनपद वासियों के सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध है जनपद पुलिस।